I welcome you all in the channel Knowledge Trust. So dear all, in this video we are going to study another important plant, that is cannabis. So let's see the important questions related to the cannabis plant, that is the Indian hemp or bhang. Option number A, it is obtained from dried flowering tops of the female plant. Yes, it is the right answer. So cannabis obtained from the dried flowering tops of the female plant. Plant ka naam kya hai? Cannabis sativa. Question number 2, 63 question. Yes, dried flowering and the fruiting tops of the female plant is known as what? Agar flowering or fruiting tops ki baat hogi, to it is known as the ganja. Okay, next, major active euphoric principle. Hame pata hai kya? Hallucinations. Yes, cannabis cause hallucinations. So euphoric principles jo hemp mein hai, that is option number A. Yes, डेल्टा THC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल. कई जगह आपको डेल्टा 8 या डेल्टा 9 भी देखने को मिल सकता है, पर आपने THC की फुल फॉर्म याद रखनी है, दैट इज टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल. नेक्स्ट, द रेजिनस एक्सुडेशन कलेक्टेड फ्रॉम द लीफ ऑफ द हेम्प, उसको हम चरस कहेंगे. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. तो गांजा किसको कहा था आपने? ड्राइड फ्लावरिंग एंड द फ्रूटिंग टॉप्स. लेकिन चरस किसको कहा है? रेजिनस मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम द लीव्स, ये लीव्स पार्ट से हम कलेक्ट करते हैं. देखिए, जैसे ही मैंने गूगल में चरस टाइप किया तो इस तरह से कुछ लोगों को भांग मिलते आपने देखा होगा, तो ये रेजिन निकलता है, इसे हम चरस कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फैमिली ऑफ इंडियन हेम्प, इसकी फैमिली क्या है? कैनाबिनेसी, मोरेसी? यस, बोथ. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. कैनाबिनेसी को हम मोरेसी भी बोलते हैं, इट इज अ सब फैमिली. एक चीज और याद रखनी है, भांग से एक फाइबर भी निकलता है जो कि हम इसकी स्टेम पार्ट से निकालते हैं, तो इट इज द हेम्प फाइबर, वेरी वेरी कॉस्टली ऑल्सो. एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, भांग के बीज जो निकलते हैं, इट डू नॉट कंटेन एनी यूफोरिक प्रिंसिपल, इसमें किसी भी तरह का यूफोरिक प्रिंसिपल नहीं है, इसलिए हम इसको सलाद की ड्रेसिंग्स में भी यूज करते हैं. तो भांग के बीजों का प्रयोग किया जाता है कई जगह, तो इसके अंदर किसी भी तरह का हेलुसिनेशंस के केमिकल कंपोनेंट्स नहीं है. तो यस, दीज आर ऑल अबाउट द कैनाबिस. इन द लास्ट, देयर इज अनाउंसमेंट, देयर इज अ चैनल नॉलेज, जनरल नॉलेज. तो इस चैनल पे जाइए, हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज से संबंधित आपको वीडियोस मिलेंगी, और इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू फॉर्म में यहां पे या वन लाइनर की फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेंगे. और याद रखिए, इस चैनल पे भी कुछ एक वीडियोस हैं फार्मासिस्ट से रिलेटेड, वन लाइनर फॉर फार्मासिस्ट एलोपैथी एग्जामिनेशन. एक बार इन वीडियोस को भी जरूर गो थ्रू करिए, इन क्वेश्चंस को याद रखिए. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.